सेंट जोसेफ कैथलिक कैथलिक्थीड्रल रावलपिंडी से सिमरीन यूनस का आप सबको सलाम हमारे लिए आज की मुकद्दस मुकद्दस मती के मुताबिक उसका नवा पाप नौता तेरा आयात मुकदसा और जब यसु वहां से आगे बढ़ा तो एक शख्स को जिसका नाम मती था महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले वो उठकर उसके पीछे हो लिया और जब वो घर में खाना खाने बैठा तो देखो बहुत से महसल और गुनागार आकर यसु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे फरीसियों ने यह देखकर उसके शागिरदों से कहा तुम्हारा उस्ताद महसूलों और गुनागारों के साथ क्यों खाता है उसने ये सुनकर कहा कि तंदरुस्तों को नहीं बल्कि बीमारों को तबीब दरकार है लेकिन तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ क्योंकि मैं रास पासों को नहीं बल्कि गुनागारों को बुलाने आया हूँ अंजील मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो खुदा का शुकर हो। आज होम जुलाई 2022 हजार बाईस मैं हूँ फादर रफाइल ऑस्ट्रेल इंस्टीट्यूट मुल्तान से और हाँ मुकदस में पहली तलावत अमूस नबी की किताब में से है जिसमें वो बनी साइल कौम का हाल बयान करता है कि वो जिन पर खुदा ने रहम किया था और उन्हें मुल्क मिसर से निकाल लाया था उनके दरमियान खुदा के कलाम की सुनवाई नहीं वो खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं देते और ये कैफियत वहाँ तक पहुँचने का डर है कि एक दिन खुदा के कलाम का कहत होगा कि कोई खुदा के कलाम को सुनाने वाला नहीं होगा और कोई खुदा के कलाम का सुनने वाला नहीं होगा और इस तरह से कोई खुदा के कलाम पर अमल करने वाला नहीं होगा और ये कैफियत इस बात में है कि लोग अपने हम लोगों के साथ उनकी ग़रबत में उनके साथ ज़्यादती के मरतकब होते हैं वो गरीबों को उनकी ग़ुरबत में तसल्ली देने के बजाय उनके साथ चीज़ें महंगी करते हैं गेहूँ की फटकन तक फ़रख्त करते हैं और हर वक्त इस ताक में है कि कब चीज़ों को महंगा करें और कब ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफाखोरी की तरफ ध्यान दें और ये वक्त वक्त और तरह तरह से लोगों के दरमियान खुदा के कलाम को रद्द करना था दूसरी तरफ पाकिंजील में हमने मुकदस मती का जो मैसूल की चौकी पर बैठा है उसका ज़िक्र सुना है मैसूल लेने वाले यहूदियों के नज़दीक गुनागार समझे जाते थे एक इसलिए कि वो यहूदियों से टैक्स लेते और रोमी हुकूमत को मजबूत बनाते थे और दूसरा इसका पहलू ये भी था कि वो टैक्स लेते तो हेरा फेरी करते हुकूमत वक्त के लिए भी धोखा करते और अपने लोगों के साथ भी हेरा फेरी करते और इस तरह उनके दरमियान भी ये ज़िंदगी जो महसूल लेने वालों की थी एक गुनागार जिंदगी थी ऐसे में एक तरफ आमूस नबी हमारे सामने नमूना है बहसीत कौम अपने आप को सुधारें और दूसरी तरफ मुक़दस मत्ती का बुलावा हम में से हर एक को इनफरादी तौर पर भी है कि हम में से हर एक अपने अपने बुलावे को पहचाने और उस खुदा के इरादे को भी पहचानें जिसके तहत खुदा ने हमें पैदा किया है जिसके तहत खुदा ने दुनिया में भेजा है और जो खुदा हमसे चाहता है हम उसे पूरा करें इसके लिए हमारे सामने मुकद्दस मती के बुलावे की एक खूबसूरत मिसाल है मुकद्दस मती को जब खुदा यसमसी ने बुलाया तो उससे कहा मेरे पीछे खोले ये महज आवाज़ ना थी ये बुलाने वाले का इख्तियार भी था बुलाने वाले की शख्सियत की जाजबियत भी थी और ये मुकदसमती के लिए अपनी ज़िंदगी में तब्दीली का वादा भी था ऐसे में हमें किस बात पर ध्यान देना है कि खुदा ने हमें बतने मादर से पैदा किया है तो अपने इरादे को पूरा करने के लिए पैदा किया है मुकदसमती हमारे लिए नमूना है हर रोज़ और हर वक्त ज़िंदगी के हर वाक़े में खुदास मसी की आवाज़ की तरह से खुदा की आवाज़ को और खुदा की आवाज़ को क्लिसिया की आवाज़ के ज़रिए से सुने और इस बुलावे को अपने लिए एक सिर्फ वक्ती तौर पर आवाज़ या दावत ना जाने बल्कि इसे हर रोज़ के लिए एक तकाजा जाने हर रोज़ इस आवाज़ को सुनना और हर रोज़ परखना खुदा ने मुझे क्यों पैदा किया है खुदा ने मुझे आज का दिन क्यों बख्शा है और खुदा मुझसे क्या चाहता है कि हम हर रोज़ और हर वक्त खुदास मसीह की रफाकत में रहना उसके पीछे चलना और उसकी मर्जी को पूरा करना जानें इंजीली इकतबाश के दूसरे हिस्से में हम खुदा यस्सुम मसीह के साथ महसूल लेने वालों और सब गुनागारों का ज़ियाफ़त में शर्क होना देखते हैं उस पर एतराज़ भी है कि यह गुनागारों के साथ क्यों खाता पीता है लेकिन इससे पहले कि हम एतराज़ की तरफ आएं हम इस फज़ल को पहचानें जो हमें यो खिश्ती इबादत में हर रोज़ हासिल होता है या जब भी शरीक हूँ तो हमें यह फ़ल हासिल होता है कि हम अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगते हैं हम खुदा यसम सिख की मौत और जूटने की कुर्बानी में शर्क होते हैं हम उसके पाक बदन और खून की ज़ियाफ़त में शरीक होते हैं और इस तरह हम लम्हा बलम्हा मसीह खुदावन की तरह बनते जाते हैं हम इस लायक बनते हैं कि मसीह खुदावन की तरह से दूसरों की खातर कुर्बानी देना सीखें और हम इस तरह बनते हैं कि मसीह खुदावन की तरह दूसरों के लिए ज़िंदगी का बाइस भी बने अब एतराज़ा की बात हम अपने सामने अगर रखें तो खुदावन यस मसीह किसी भी बात में ना अपने रसूलों की और ना दूसरे लोगों की तालीम और तरबियत का कोई मौका हाथ से जाने देता है लोगों का एतराज़ था कि तुम्हारा उस्ताद गुनागारों और महसूल लेने वालों के साथ क्यों खाता है खुदा यसुम सि ने जवाब में दो मुहावरे इस्तेमाल किए एक तंदरुस्तों को नहीं बीमारों को तबीयत दरकार है और दूसरा मैं क़ुरबानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ ये कहकर वह अपना मकसद हयात बयान करता है कि मैं रास्त को नहीं मैं गुनागारों को बुलाने आया हूँ अब ऐसे में हमें भी अपना जायज़ा लेना है कि अगर हम रूहानी या जसमानी तौर तो पर बीमार हैं तो खुदासमसी एतराफ़ के साक्राम में और पाकिखिश के साक्राम में हमारा सबसे अच्छा तबीब है और वह हमें हमारे गुनाहों से मुआफ़ी देकर शिफा देता है और हमारी जसमानी और रूहानी बीमारियों से भी हमें शिफा देकर कामिल तौर पर बहाल करता है तो रहम करके हमें मुआफ़ करता है ताकि हम भी दूसरों पर रहम करें हम रहम का वसीला बने उसी सूरत के जैसे हम खुदा से चाहते हैं कि वो हमारे कसूर हमें मुआफ़ करे हम भी पहले दूसरों के कसूर मुआफ़ करना सीखें इसलिए आए आज खुदा के कलाम पर ध्यान दें तो अपने बुलावे पर निगाह करें और इसे पूरा करने के लिए तीन बातों पर ध्यान दें एक खुदा के कलाम को पढ़ना सुनना समझना और उस पर अमल करना दूसरी बात खुदा यस्म मसीह की रफाकत में रहना और उसके साथ उसकी कुर्बानी में और उसकी ज़ियाफ़त में शरीक होना और उससे ज़िंदगी पाना और कसरत के ज़िंदगी पाना और ज़िंदगी का वसीला बनना सीखें और तीसरी बात दूसरों को जो इस मसीह को नहीं जानते जो खुदा के कलाम से वाकफ़ नहीं उन्हें खुदा के कलाम से आगाह करना उन्हें मसीह की रफाकत में शर्क करना खुदा आप सबको बरकत दे आमीन